भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज उपमंडलाधिकारी नागरी जोगेंद्र नगर के शर्मा के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा युवाओं के लिए चार मुख्य गारंटियों को लागू करने का ज्ञापन दिया। नौजवान सभा जोगेंद्र नगर के अध्यक्ष संजय जम्वाल व सचिन अर्जुन बड़वाल ने कहा कि चुनावों पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जो युवाओं को मुख्य वायदे किए थे उनको जल्द पूरा करें। गारंटियों के मुख्य तौर पर 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने की गारंटी, 18 से 59 साल तक की आयु वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की मुख्य गारंटी, प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में युवा स्टार्टअप हेतु 10-10 करोड़ की बिना ऋण व ब्याज दिसंबर 2022 से हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटियों को शीघ्र लागू किया जाए। नौजवान सभा ने कहा कि DYFI जोगिंद्रनगर द्वारा आज SDM महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सरकार द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने की मांग, साथ में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली व जो नए युवा हैं उनको स्टार्टअप के लिए 10-10 करोड़ का जो लोन है वो बिना किसी गारंटी के दिया जाए, इन सभी मांगों को लेकर DYFI जोगिंद्रनगर इकाई ने जोगिंद्रनगर से आपका फैसला के लिए कैलाश की रिपोर्ट।